क्या भूले क्या भूले क्या भूले, लाइफ तक को सब्सक्राइब करना भूले यार, तो करो ना। और हाँ, घंटे का बटन दबाना मत भूलना। और कैसे हो भाभी? ठीक हूँ गीता। अरे आप खुद ही चाय बना ली आज? अब तू इतनी लेट करती है तो मुझे ही चाय बनानी पड़ती है ना। हाँ थोड़ा काम आ गया था ना आज। अच्छा नाश्ते पराठे बना दूँ क्या? हाँ बना ले। अच्छा लेकिन सुन, मोहित के लिए टोस्ट और जूस ही रखना, उसका वाला नाश्ता। पराठे देख के तो वैसे ही मुंह बना लेता है। हाँ और लड़ने भी लगेंगे सुबह सुबह, वही बना दूँ। ठीक है। नहीं हो रहा हूँ लेट, आ गया हूँ टाइम पे। अच्छा खाने में क्या दिया है? खाने मैंने बनाई आलू की सब्जी। अब ये मुंह मत बनाओ भैया, या तो पहले बता दी करो क्या चाहिए। लो अब। अच्छा माँ कहाँ है? चलो ठीक है छोड़ो, माँ को बोल देना मैं निकल गया। ओके भैया, ये डाइट वाला नाश्ता कौन खाएगा आपका? अभी ये भी खाना पड़ेगा। अरे भैया पोहा तो खाओ। पोहा नहीं होगा, पोहा आप खा लेना, बहुत अच्छा बनाती हूँ ना। चलो बाय। माँ मेरी व्हाइट शर्ट धुलने में क्यों डाली? क्या हो गया फिर इतनी सारी है, कोई और पहन ले। अरे बात कोई और पहनने की नहीं है यार। अरे क्या हो गया, आज सुबह सुबह लड़ाई शुरू कर दी? दीदी आपने मेरी व्हाइट शर्ट धुलने में क्यों डाली, प्लीज मुझे बता दो। अरे भैया इतनी मैली कुचैली होनी थी, मैंने सोचा साफ शर्ट आप पहन लोगे तो धोने डाल दी मैंने, इसमें क्या है? मजाक चल रहा है, इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो यार? मुझे पहन के जानी थी आज, अर्जेंट काम है मेरा। अरे भैया लेकिन शर्ट तो गंदी थी ना, गंदी शर्ट थोड़ी पहन के जाते हैं मीटिंग में। हाँ थैंक यू, मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन मेरे से पूछ सकते थे ना एक बार आप। वैसे तो इस घर में सारी बातें पूछ की होती हैं, लेकिन एक बार कोई मेरे से ये नहीं पूछ सकता कौन सी शर्ट धोनी है मेरी कौन सी नहीं धोनी। बस कर रखी है यार, बस कर। अरे भाभी अब शर्ट गंदी धोएंगे नहीं, जगह सजा के रखेंगे, इनसे हर बार पूछते रहेंगे कि कौन सी धोनी कौन सी नहीं धोनी, इतना टाइम है हमारे पास। शांत हो जा, कोई बात नहीं, छोड़ना ऐसे ही करता है वो। चल आतर को चाय पिलाती हूँ। अच्छा दीदी इधर आना। भैया आ रही हो अभी? अरे जल्दी आओ अर्जेंट है। पता नहीं क्या हो जाता है। हाँ भैया। मेरा लंच और ब्रेकफास्ट आप मत बनाना, मैं खुद बना लूंगा। अरे भाभी देखो इनको, ये शर्ट वाली बात पे अभी तक गुस्सा करके बैठे हैं ना। अरे नहीं मैंने बोला ना बना लूंगा मैं खुद। पर क्यों बना लोगे भैया? यार मैं बोल रहा हूँ ना मैं बना लूंगा, कौन सी बहुत बड़ी बात होगी इसमें। भैया अगली बार से मैं शर्ट पूछ के धोऊंगी बस। एक काम करो यहाँ बैठो, बैठो। अरे बैठो ना। बात गुस्से की नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं आज का लंच और ब्रेकफास्ट खुद बनाऊंगा आपके लिए, क्योंकि आज राखी है और राखी पे एक भाई अपनी बहन को तोहफा देता है, और गिफ्ट तो मैं लाया नहीं, तो मैं आपके लिए लंच और ब्रेकफास्ट नहीं बना सकता। राखी? हाँ देखो आपको तो पता ही है मेरा ना तो कोई भाई है ना बहन है, लेकिन अगर मेरी बहन होती ना मुझे आपकी जैसी बहन चाहिए थी। मैं आपको इतना कुछ बोल जाता हूँ गुस्से में, आप सुन भी लेते हो, हम जितना मर्जी लड़ लेते हैं लेकिन अगली सुबह मेरे को टाइम पे मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट टेबल पे लगा मिलता है। और कल की बात को देख लो, एक शर्ट के पीछे मैंने इतना ओवर रिएक्ट कर दिया, आपको इतनी सारी बातें बोल दी, सॉरी। तो ये लो मुझे जल्दी से राखी बांधो और मैं गर्मा गर्म नाश्ता खिलाता हूँ आपको। अब भाभी हम क्या बोलें? अरे पूछ तो ऐसे रही है जैसे सारी बांधती है मेरी। चल जल्दी से राखी कर मोहित को। कसके बांधना? हाँ हाँ। अरे नहीं गुस्सा नहीं करूंगा मैं। गुस्सा तो आप हमेशा करते रहोगे पता है। हाँ तो भाई बहन को गुस्सा भी चलता है। आज पूरी खाओगे? आज भी डाइट डाइट करोगे? नहीं आज तो मैं पूरी खाऊंगा। आप भी तो खाओ।
भाभी आपको पता था इसके बारे में? अरे सब तो बता रखा था मैंने इनको। अच्छा तो आप मेरे को राखी में से लंच और डिनर करोगे बस? क्या चाहिए? क्योंकि हर भाई बहन का रिश्ता खून से नहीं बनता,